क्या कर रही हो? गंडे पकने जा रहे हैं, छोटे छोटे से उपले बनाने के लिए। ये गोबर लिया है इसको इससे करके बहुत आसानी। खड़े वाले कंडे बनाओ। ले नहीं, खड़े वाले नहीं बनाएंगे, ऐसे वाले बनाएंगे, आसानी से बन गए बहुत ही आसानी से बनेंगे उपले, बहुत ही आसानी से ये उपले बनेंगे। ऐसा बस इनको घुमाया और ऐसे रख दिया, लो बन गए। ये सूख के आराम से बहुत बढ़िया जलते भी हैं और बनते भी अच्छे जल्दी से हैं, हम इसे जल्दी जल्दी बना देंगे। तो ये कपड़े ये उपले बना करोगे क्या? इससे कंडा आग जलाएंगे, इससे पानी गर्म करेंगे और होली में नाश्ता भी इन्हीं कंडों से बनेगा इससे हम आग जला के गर्म पानी करते हैं, सेफ्टियाँ नहाती है और क्या होता है तो इसे ये जो है सारे उपले तैयार कर देंगे। और हमारे मोहल्ले में वो पड़ोस में देखो उनके यहाँ भी उपले लिए गए हमारे, ये देखिए सब लोग शकरकंदी भूनते हैं सब लोग, और जो है शकरकंदी भूनते हैं और हम लोग भी शकरकंदी इसे भून लेते हैं। जब शकरकंदी आती है तो शकरकंदी भूनते हैं, जब आलू आते हैं तो आलू भून लेते हैं, ये तैयार हो जाते हैं। तो फिर आराम रहती है इससे। हमारे पड़ोस में डेयरी तो है लेकिन उस पर बहुत महंगे उपले मिलते हैं, तो हम लोग अपने ही बना के आराम से रख लेते हैं, आग जलाने में काम आते हैं। जाड़े भर तो हम लोग किसी से उपलों से ही आग जला के आग तापते हैं और हम लोग इसी का से पानी गर्म भी कर लेते हैं और आग भी तप जाती है जाड़ों भर में, और ये बहुत आरामदायक होते हैं। जब होली में हम लोगों को नाश्ता ज़्यादा बनाना होता है तो गैस की खर्च ज़्यादा होती है, उस तो हमें हम लोग उपले। अच्छा, अभी आप कर क्या रहे थे? चूल्हे से अभी थी कहाँ आप? हम अभी कपड़े धुल रहे थे, कपड़े धुल के फैलाने जा रहे थे और कपड़े धुल के फैला दिए हमने। कहाँ फैलाए? उधर फैला दिए। भाभी के दोनों ठाकुर जी के कपड़े बना, भाभी के दोनों ठाकुर जी को कपड़े बना के हम दे आए हैं, और वो जो है भाभी उसके दूसरे वाले ठाकुर जी के कपड़े, दूसरे वाले ठाकुर जी बहुत छोटे से थे, इतने छोटे से, उनके लिए भी कपड़े बनाए। तो बड़े एक ठाकुर जी तो बड़े थे, वो वृंदावन से हमने ला के दिए थे उन्हें, वो बड़े थे। और ये जो छोटे से हैं बिल्कुल दूसरे ठाकुर जी, उनके भी कपड़े बन गए, बहुत छोटे से कपड़े बने, बहुत सुंदर, उन्हें बहुत खुश हो गई देख के, कहने लगी बहुत अच्छे लग रहे हैं कपड़े। और जो है अभी जो है हम ये उपले पात के फिर हाथ धुल लेंगे, फिर हाथ धुल के फिर आगे काम देखेंगे कि क्या करना है। गाय कहाँ? गाय चली गई है कृष्णा, और बच्चे सब अंदर आ गए हैं, धूप बाहर से चली गई है सड़क पर से, तो बच्चों को सबको अंदर हमने कर लिया। और जो है ये पड़ोस में वो लोग खड़े हैं, बातें कर रहे हैं पड़ोस में, सब लोग अपनी धूप छत्ते खा रहे हैं। उनके घर में फूल बहुत अच्छे खुले हैं, पीले पीले, बहुत सुंदर। सामने उन्होंने अपने तीन मंजिल पे बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलाए हुए हैं, गार्डन बनाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग पार्क में बैठे हैं, ऐसा लगता है इनके 3 मंजिल पर गार्डन है, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग पार्क में बैठे हैं। हमारे हमने भी गमले रख रखे हैं लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया गार्डन बनाया हुआ है 3 मंजिल पे। उनके खूब सारे पौधे लगे हुए हैं 3 मंजिल पे, खूब फूल आते हैं उसमें, अलग अलग तरीके के फूल आते हैं मौसम के हिसाब से। उन्होंने अच्छा गार्डन बनाया हुआ है, हम लोगों ने भी पौधे रख रखे हैं लेकिन और पानी भी डालते हैं मौसम पे, ये भी फूलते हैं। इस टाइम तो ये पीले वाले ही फूल खिल रहे हैं और कोई खिल नहीं रहे हैं, और बाकी सब गुलदाउदी वगैरह सब चले गए हैं। इस टाइम कोई गुड़हल गुलदाउदी कुछ नहीं खिल रहा हमारे यहाँ, और इस टाइम तो सिर्फ ये पीले वाला फूल खिल रहा है। ये पड़ोस वाले ये है भाभी, उन्होंने दिए थे हमें पेड़, ये बहुत दिनों से चल रहे हैं हमारे यहाँ, बहुत समय हो गया इनको। पहले इसमें लाल और पीले दोनों दिए थे लेकिन पीले वाले ही रह गए, लाल वाले तो चले गए इसमें से, तो पीले वाले रह गए। और उपले पूरे तैयार हो गए हैं, बस कल धूप लगेगी, परसों धूप लगेगी, 2-3 धूप में ये सूख जाएंगे, फिर हम सारे उपले सुखा के रख लेंगे। उधर भी हमने उपले सुखा के रखे हुए हैं ऊपर टीन के ऊपर,
सब कहीं जो सूख जाते हैं उनसे चूल्हा जला देते हैं, सब चूल्हा जला जला के सब ख़त्म भी कर देते हैं। हमारे पास बहुत सारे उपले थे लेकिन हमने सब ख़त्म कर दिए, टायर पे रखे हुए थे बहुत सारे उपले थे लेकिन हमने सब ख़त्म कर दिए, सब चूल्हा जला जला के सब ख़त्म कर दिए। अब ये जो है ये इनकी सूखने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ऐसे ही सूखेंगे वैसे इनको भी जला डालेंगे, सब ख़त्म कर देंगे। और इधर भी जो उपले उपले बनाए हुए हैं सब चारों तरफ उपले उपले कर दिए। अब जितना भी गोबर आता है ऊपर तीन मंजिल के ऊपर है बैठे हैं और जितना भी गोबर ऊपर ले आते हैं उतना सब बच जाता है यहाँ पे, उपले सब बना देते हैं। और दूसरा थोड़ा और गोबर रखा है वो गोबर भी ले आए तो फिर उपले बना दें। इतना सा गोबर और बचा है, ये भी हम डाल के इसको भी साथ में ही उपले बना देंगे। ये आज पतला पतला गोबर किया था वो पतला गोबर भी मिल गया, उसमें मिक्स हो गया। कृष्ण उसने बुद्धा ने किया था, कृष्ण महीने ने किया था, बुद्धा ने बहुत पतला गोबर किया था तो हमने उसको दवा भी दी है आज टेरामाइसिन, वो उसने खाई है। लेकिन देखो अब तबीयत उसकी सही होती है कि नहीं होती है, डॉक्टर ने बताया था कि टेरामाइसिन दे दिया करो जब भी हमारे कोई बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, गायों की तबीयत ख़राब होती है, पतला गोबर करने लगता है तो हम लोग टेरामाइसिन दे देते हैं। और जिस किसी के भी कीड़े होते हैं तो पेट में बच्चे के गाय के बच्चे के या गाय के तो उससे फिर हम वो अल्बो मार दे देते हैं, उससे वो ठीक हो जाता है, उससे सारे कीड़े निकल जाते हैं, उनका पेट भी ठीक हो जाता है। अगर कीड़े के कारण उन्हें लाइट आने लगती है तो अल्बो मार पतला गोबर करने लगते हैं। ये वाले जो उपले हैं ये अभी देखो ये सूखे नहीं हैं, अभी कायदे से सूखने के लिए इनको पलट के रखना पड़ेगा धूप में, तब जो है ये सूखेंगे। अभी इतने से गोबर से और बना ले फिर हम जो है ये वाले सारे पलट देंगे, सारे पलट के उधर धूप में रख देंगे, धूप में रखने से ये सूख जाएंगे सारे और आराम से सूखेंगे तो गोबर तो जो है हमारा आराम हो जाएगी। जैसे ही सूखेंगे वैसे हम जला देंगे क्योंकि हमारे पास जलाने के लिए उपले बचे नहीं हैं, सारे जला डाले हमने सर्दियों भर में, सब सूखे सूखे सब जला दिए। चुनमुन आई हुई है छत पे, चलो दिखा देते हैं चुनमुन। ये चुनमुन है, क्या खा रही हो? ये चुनमुन की मम्मी है। क्या है? सेव। सेव। चुनमुन सेव खा रही है, ये इनकी मम्मी है। मम्मी सच के आई चुनमुन की खा रही है इनके छोटा सा है, बहुत छोटा सा